हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैनेडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि ग्रुप डी की भर्ती नई आई है उसके बारे में। उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो है आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो भी नई वैकेंसी आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा में जो नई ग्रुप डी की भर्ती आई है उसके बारे में। तो दोस्तों, हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सेशन, उसके अंदर क्या है कि वैकेंसी निकलती है ग्रुप डी की, तो वो अब निकल रही है सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो थोड़े दिन पहले फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की निकली थी, हमने वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये अभी नई वैकेंसी आई है, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सिरसा, सिरसा के अंदर ये वैकेंसी है, सिरसा कोर्ट के अंदर। और जो दूसरी मेरे पास जानकारी है वो है हमारे पास सोनीपत की। तो सोनीपत के अंदर जो कोर्ट है उसके अंदर वैकेंसी निकली है ग्रुप डी की, और एक सिरसा के अंदर ग्रुप डी की पोस्टें हैं वो निकली हुई है। फतेहाबाद की पोस्टें निकली थी उसका वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया था चैनल पर। तो अब हम बात करेंगे सिरसा वाले वैकेंसी के बारे में। तो सिरसा की ये एडवर्टाइजमेंट है कोर्ट की, जिसमें एप्लीकेशन फार्म उन्होंने मांगे हैं, ऑफलाइन फार्म है। टोटल पोस्ट है वो है 8 पोस्ट। प्रोसेस सर्वर की टोटल पोस्टें दी गई है यहाँ पे 8, जिनका जो सैलरी है वो है 16,900 से लेके 53,500 तक। और जो पीएन की पोस्ट है इसका 16,900 से लेके 53,500 तक इसका जो है सैलरी है, जिसमें प्रोसेस सर्वर की और पीएन की पोस्ट निकली हुई है सिरसा कोर्ट के अंदर। तो जो प्रोसेस सर्वर है इसकी है 8 पोस्ट, और जो पीएन है इसकी है 6 पोस्ट। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है प्रोसेस सर्वर की, और पीएन की भी 4 पोस्ट है। एससी के लिए प्रोसेस सर्वर की 2 पोस्ट है, और पीएन के लिए 1 है। बीसीए में 1-1 पोस्ट है दोनों की, और एक्स सर्विस मैन पर्सन है जनरल कैटेगरी तो प्रोसेस सर्वर की 1 पोस्ट है। ये तो जानकारी है हमारे पास सिरसा की। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा वह सोनीपत की वैकेंसी, और जो भी इसके अलावा कोई नई वैकेंसी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये यहाँ पे दिया है दोस्तों कि जो पोस्ट है उसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। इसका नोटिस बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। ये है प्रोसेस सर्वर के लिए। प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, हिंदी और पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए दोनों में से एक का। और पीएन के लिए 8वीं पास है वो इसके लिए फार्म है जो भर सकते हैं। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिरसा कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। इसकी जो आयु है वो 18 से 42 साल मांग रखी है, जो 1-1-2019 तक होनी चाहिए। जो इसका नोटिस आया है वो 5 तारीख को आया है, और जो इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो लास्ट डेट है। इसके बारे में बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फार्म है वो एक प्लेन पेपर विद कम्प्लीट बायोडाटा आपका होना चाहिए, उस पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, या आपको किसी भी ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, सेल्फ अटेस्टेड है जो फ़ोटो मान्य नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंटों की सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी है, ये जो प्रूफ जैसे 8वीं की DMC 10वीं की DMC है उसकी डॉक्यूमेंटों की फोटोकॉपी, और आधार कार्ड, अपर जाति और आपका डोमिसाइल उसके पीछे लगाना है। एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस की कॉपी लगानी है। और 25-2-2019 तक, यानी 25 फरवरी तक है वह, आप इसको 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं। बाई एंड जमा करवाना चाहो तो आप सिरसा कोर्ट में जाके जमा करवा सकते हो, और अगर आप डाक के द्वारा भेजना चाहो तो आप डाक के माध्यम से भी इसको जमा करवा सकते हो। इसका जो इंटरव्यू होगा यहाँ पे इसका दिया गया है 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, ए से ई तक, 12 मार्च से एफ से एस तक। जिनका नाम इनके बीच में स्टार्ट होता है वो इस तारीख को इंटरव्यू है, इसका चेक कर सकते हैं। ये है पीएन के लिए, ऊपर वाला था प्रोसेस सर्वर के लिए। जो रिपोर्टिंग टाइम है इंटरव्यू का वो है 9:30 बजे, इंटरव्यू स्टार्ट होगा उस टाइम। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, और इंटरव्यू के अंदर आपको टी या डी ए नहीं दिया जाएगा। टी ए डी ए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज होता है, किराया या खर्चा, उसमें कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी थी हमारी सिरसा की। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको। अब हम बात करेंगे सोनीपत कोर्ट में निकली है उस वैकेंसी के बारे में। तो यह है सोनीपत की वैकेंसी, कोर्ट के अंदर निकली हुई है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस उन्होंने जारी किया है। सैलरी की सभी की सेम ही है यहाँ पे, 16,900 से 53,500 तक। पोस्टों का विवरण मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है वो एक पोस्ट दे रखी है, और जो पीएन की पोस्टें हैं वो है जनरल कैटेगरी की 5, बीसी की 1, एससी की 1, टोटल 7 पोस्ट। सोनीपत के अंदर 7 पोस्टें दे रखी है पीएन की और प्रोसेस सर्वर की एक पोस्ट, और सोनीपत वाली में एक स्वीपर और मांग रखा है उन्होंने। स्वीपर के लिए 5वीं पास कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, एक पोस्ट है यहाँ पे स्वीपर की, और उम्र उन्होंने 18 से 42 साल ही मांगी है। बाकी प्रोसेस सेम ही है। इसका जो इंटरव्यू का है वो उन्होंने शेड्यूल अभी अपलोड नहीं किया वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट दे रखी है district.gov.in सोनीपत, इनकी वेबसाइट पे 1/3/2019 को ये इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो अपलोड करेंगे। तो ये तो है सोनीपत के लिए, हिंदी में इसकी जानकारी दे रखी है, हमारी डिस्क्रिप्शन में दोनों का दे रखा है नोटिफिकेशन, आप वहाँ से डाउनलोड करके हिंदी में पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बता ही दिया है सारी जानकारी आपको, और इसका जो भेजने का आवेदन का पता है सोनीपत वालों का है, सोनीपत में भेजना है, चाहते हैं तो आप सोनीपत के लिए अप्लाई करें तो सोनीपत में आपको भेजना है, जो एड्रेस दिया हुआ है इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, और आप सिरसा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सिरसा में भेजना है, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का फार्म है उसकी 14 तारीख लास्ट है, जल्दी से आप उसको अप्लाई कर दें दोस्तों। और एक बात बता देता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने अभी तक, तो सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो।